This is again very interesting. Let us define pun. What is a pun? So pun is a figure of speech in which a word is used with more than one meaning. And in this figure of speech, effect is produced due to multi-meaning. जो कोई भी word है वो अपने multi-meaning देता है, यानी कि उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो वो example होता है pun का. So it is fun with word. ऐसा भी आप कह सकते हैं कि pun is a playing with words या it is a fun with words. So let us see the examples. So I have written this question on the screen. What is the difference between teacher and conductor? या आप किसी से क्वेश्चन किया कि टीचर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, तो इसका आंसर दिया जा रहा है द टीचर ट्रेन्स द माइंड एंड द कंडक्टर माइंड्स द ट्रेन. वंस अगेन आई रीड द स्टेटमेंट. द टीचर ट्रेन्स द माइंड एंड द कंडक्टर माइंड्स द ट्रेन. तो हियर द वर्ड माइंड हैज मल्टी मीनिंग्स. तो यहाँ पर माइंड को हम माइंड वर्ड के साथ एक किस्म का हम फन कर रहे हैं. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पन. देन आई हैव मैनी फैंस. अब यहाँ पर फैंस को हम देखें तो यह सेंटेंस का मीनिंग है इसका कि मेरे बहुत सारे प्रशंसक हैं. लेकिन फैंस फैंस के लिए हम अगर इसका दूसरा मीनिंग देखेंगे तो फैन पंखे को भी कहते हैं, तो मेरे बहुत सारे पंखे हैं. तो दिस इज अ फन. सिमिलरली रीडिंग इन सन मेक्स यू वेल रेड. अब यहाँ पर इस ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है रीडिंग इन सन मेक्स यू वेल रेड, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो आप लाल हो जाएंगे. इट मीन्स अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो आप लाल हो जाएंगे. लेकिन इसका अगर दूसरा मीनिंग देखना है तो रेड रीड रेड रेड रीड वो जो वर्ब है उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड रेड उसकी भी प्रोनाउंसिएशन यही है. तो इसको हम ऐसे भी मीनिंग इसका जो है वो समझ सकते हैं कि अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो हमें तो तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाएगा, तुम अच्छा पढ़ोगे. सो इट इज़ द प्लेइंग इट इज़ अ फन विद द वर्ड्स. दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द पन. सो